हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डियर फ्रेंड्स में। हम यहाँ पे रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और अभी तक हमने पार्ट 5 तक रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। प्रीवियस इयर्स में आपके एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन से जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कल हमने जो 10 क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए, आज 11th क्वेश्चन है। अगर आपने पहले वाली वीडियोज नहीं देखी है तो यहाँ पे साइड में आपको आईकॉन शो होगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं प्ले लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगी, वो सारी आप वहाँ से देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ पे लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला जा रहा है द वेट ऑफ फोर बॉक्सेस आर 30, 40, 50 एंड 80 किलोग्राम्स। इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे है ना, तो इस तरह से आपको पढ़ना है। ये आपको क्लियरली दिखे इसलिए मैंने इस तरह से करा है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। तो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टोटल वेट इन किलोग्राम्स, ये सब क्वेश्चन आप पढ़ ही लेंगे। मैं बेसिकली बता देती हूँ इनमें कैसा कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है और किस तरह से इनको सॉल्व करना है। एक बार क्वेश्चन को आपको रीड करना है, उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे हमसे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे हमें चार बॉक्सेस गिवन है, 30 के, 40 के, 50 के और 80 किलोग्राम्स के। हमें यहाँ पे के रखा है कि ये जो कॉम्बिनेशन है इनमें हमें रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे टोटल बताना है बेसिकली हमें। और यहाँ पे गिवन है कि कॉम्बिनेशन है बॉक्स कैन बी यूज ओनली वंस, यानी कि रिपीट नहीं करना है। जैसे हमने एक बार 30 यूज में ले लिया, एक बार 40 ले लिया, एक बार 50 ले लिया, फिर 80 एक बार ले लिया, फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि वापस से 30 हमें लेना है इनका जब हम टोटल निकालेंगे। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन है हमारे पास वो मैच कर रहे हो। जैसे अगर हम मैं आपको एग्जाम्पल से बताते हैं, जैसे ऑप्शन 1 में यहाँ पे गिवन है 120। अब हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाने इन सब के कि हमारे पास जो एडिशन हो इनका टोटल हो कितना हो जाए, 120 हो जाए, तो किस तरह से कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो एक हमने 30 ले लिया, एक 40 ले लिया बॉक्स ले लिया और एक ये 50 का ले लिया, तो 7 और 5 कितने हो गए, 120। तो यहाँ पे ये एक कॉम्बिनेशन बन सकता है हमारा। और दूसरा देखा जाए तो क्या बन सकता है, 30, 40 यहाँ पे गिवन है, तो 80 हो गया, यहाँ पे बना लीजिए 40, 80 और 40 का कॉम्बिनेशन बन गया, तो ये सारे हैं 120 हमें देना है। इस तरह से हमें बताना है। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा नहीं बन सकता, कौन सा नहीं हो सकता, ये चीज़ हमसे यहाँ पे पूछी गई है। तो हम ये वाला तो हमारा हो रहा है 110 की बात करें, तो यहाँ पे अगर हम ऐड कर देते हैं इसको 80 को और यहाँ पे 30 को, तो हमारा एक कॉम्बिनेशन 110 का भी बन रहा है। 113 की बात करें, 130 की बात करें, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 80 और यहाँ पे 120 हो गया, और ये कितना हो गया, 80 और 50 को हम ऐड करेंगे तो हमारा 130 बन रहा है। 100 की देखें तो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मतलब इनका सम कर पा रहे हैं, तो हमारे पास 100 किसी भी कंडीशन में नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। बेसिकली आपको इसमें क्या करना है, टोटल करना है, और टोटल किस केस में करना है, जो भी हमारे पास यहाँ पे वेट यहाँ पे बॉक्सेस गिवन है उनको ऐड करना है इस तरीके से कि हमारे पास जो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है वो उनमें से नहीं आ पा रहा हो, यानी कि एडिशन ऐसा हो जो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा हो। तो ऑप्शन थर्ड आपको दिख रहा है 100, आप इसको कैसे भी करके जोड़ लीजिए। और यहाँ पे हमें कंडीशन गिवन है कि हमें सिर्फ एक ही बॉक्स एक बार ही यूज लेना है, दोबारा हम रिपीट नहीं कर सकते। तो इजी क्वेश्चन था, ओनली आपसे यहाँ पे एडिशन आपका चेक कर रहे थे और थोड़ा सा घुमा के पूछा गया था क्वेश्चन। ऑप्शन थर्ड आपके यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप से सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव वर्ड्स सेलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे हमें वर्ड गिवन है डुप्लीकेट, हमें बताना है यहाँ पे कि जो हमें ऑप्शंस गिवन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो डुप्लीकेट से हम नहीं बना सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले जो आपको वर्ड गिवन होता है उसको आप प्रोनाउंस करके देखते हैं। तो यहाँ पे डुप्लीकेट हमने प्रोनाउंस कर लिया, हमें इसमें क्या चीज़ नहीं दिख रही है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन 4 में हमें दिख रहा है टीम, टीम में म एम आ रहा है यहाँ पे, तो और हमें यहाँ पे डुप्लीकेट में कहीं भी एम दिखाई नहीं दे रहा। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि कौन सा यहाँ पे वर्ड नहीं बन सकता डुप्लीकेट से, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लिया करते हैं, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें हमें पूछा जा रहा है यहाँ पे एक वर्ड गिवन है उसको कोडिंग कर रखा है, यानी कि अल्फाबेट कोडिंग का क्वेश्चन है। काउ गिवन है उसकी हमें कोडिंग पूछी जा रही है कि क्या होगा, तो अल्फाबेट कोड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पहले भी करा चुकी हूँ, एक बार और देख लेते हैं।
तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ PRI ATOE, इनके कोड ऊपर लिख देती हूँ। पी का होता है 16, आर का 18, आई का 9, एम का 13, ए का 1, टी का 20 और ई का होता है हमारा 5। नेक्स्ट हमें यहाँ पे पूछा जा रहा है काऊ का, COW। सी का क्या हो गया 3, ओ का क्या हो गया 15, डब्ल्यू का क्या होगी 23। हमसे कुछ यहाँ पे जो गिवन है वो है एम, जो इसकी कोडिंग गिवन है हमें वो हो गया एफ। नेक्स्ट है जे एक्स क्यू एन वी, इसकी कोडिंग भी हम लिख देते हैं। तो एम की कोडिंग क्या होती है 13 होती है, ओ की होती है 15, एफ की होती है 6, जे की होती है 10, एक्स की होती है 24 और क्यू की होती है हमारे पास 17 और पी की होती है 2। अब देखिए यहाँ पे 16 है, 16 से हमें क्या चाहिए 13 चाहिए। कैसे आएगा 16 से 13, अगर हम क्या करते हैं माइनस 3 करते हैं, माइनस 3 करने पे हमें मिल रहा है। यहाँ पे बात करें 18, 18 से 15 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो रहा है माइनस 3 हो रहा है। ऐसे ही अगर हम इसकी बात करते हैं 9, 9 से क्या हो रहा है 6 हो रही है वैल्यू, तो यहाँ पे भी सेम माइनस 3 हो रहा है। 13 से 10 हो रही है माइनस, वैसे इतने सारे आपको चेक नहीं करने हैं, आपको स्टार्टिंग 2 चेक कर लीजिए तो इतना काफ़ी है, 2 चेक कर लेंगे आप काफ़ी है। तो यहाँ पे भी 1 से कितना हो रहा है 24, यानी कि माइनस 3 हो रहा है। इस तरह की से अगर भी 20 है, 20 में से माइनस 3 करेंगे 17, 5 में से माइनस 3 करेंगे तो आपके पास 2 वैल्यू आ जाएगी। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है काउ COW का, हमसे पूछा जा रहा है इसकी कोडिंग क्या होगी, तो यहाँ पे भी हमें सिर्फ माइनस 3 करना है, जैसे कि हमने बाकी सब ने देखा। कर लेते हैं माइनस 3, 3 में से माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 0। हमने आपको 0 बताया था कि 0 आए या फिर आपके 26 आए, वो किसकी कोडिंग होती है, ये होती है आपके जेड की कोडिंग। नेक्स्ट बात करते हैं 15 में से माइनस 3 करें तो हमारे पास बचे 12, 12 किसकी कोडिंग होती है एल की। और नेक्स्ट बात करते हैं 23, 23 माइनस 3 करें तो 20, 20 किसकी कोडिंग होती है टी की। आंसर हमारा क्या हो जाएगा ZLOT। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब देखिए अगर एग्जाम में इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आए तो इस तरह से बिल्कुल नहीं करना है, ये समझाने के हिसाब से मैंने आपको बताया क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट इनके ऊपर यही कोडिंग लिखनी है, जैसे पी की 16 लिख दी, आर की कितनी लिख दी 18 लिख दी, बस इतनी, इससे ज़्यादा नहीं। एम की होगी 13 होगी और ओ की कितनी होगी 15 होगी। देख रहे हैं 16 में से 13 हो रहा है, यानी कि माइनस 3 हुआ है। कन्फर्म कैसे करेंगे, आगे दे रखा है 18, 18 में से कितना हो रहा है 15 हो रहा है, यानी कि माइनस 3 हो रहा है। नेक्स्ट सेम यहाँ पे आपको लिखना है 3, ओके होगी 15, काफ़ी इतना। 3 में से माइनस 3 करेंगे जेड 0 आ जाएगा, 0 की कोडिंग होती है जेड की, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा और बाकी का आपको चेक नहीं करना है। अगर तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन से सॉल्व करना है। अगर ज़्यादा घुमा के पूछा जाए तो सेकेंड टर्म तक आपको चेक करना है, अगर आपको नहीं लग रहा, आपको लग रहा है कि फर्स्ट में ही आंसर आ गया तो यहाँ पे अगर जैसे देख ऑप्शन में हमारे पास जेड एक में ही गिवन है ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट हमने डायरेक्ट मार्क पे लगा दिया। अगर हमें और ऑप्शन गिवन होता उसमें जेड टर्म गिवन होती तो हम दोबारा चेक करते, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमसे पूछा जा रहा है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज। तो यहाँ पे बेसिकली हमें एडिशन दे रखा है कि एडिशन क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से दे रखा है। इस क्वेश्चन के आगे मैं फिर से बता रही हूँ, एंड के आगे जो क्वेश्चन है वो आपका इधर की साइड से है और हिंदी उसके जस्ट नीचे लिखी हुई है, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पे जैसे हमें गिवन है प्लस, जो एड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो करता है मल्टीप्लाई को, तो ऊपर लिखते हुए जाना है। नेक्स्ट हमने यह गिवन है कि माइनस गिवन है, तो माइनस किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एडिशन को। नेक्स्ट एड यहाँ पे डिवाइड है, डिवाइड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसका यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, माइनस को, तो ये हमने माइनस लिख लिया। इसमें इन क्वेश्चंस में आपको सिर्फ पता है क्या ध्यान रखना होता है, सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि हम जो यहाँ पे यूज ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे एडिशन का साइन है तो ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत सी बार क्या होता है, जैसे इसके पास में लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस को, इस तरह से गलती हो जाती है। ऐसे क्वेश्चन में ये गलती होती है, वरना ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सबको आता है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है, लेकिन गलती यहाँ पे हो जाती है जल्दीबाजी में। तो
इस चीज का ध्यान में रखूंगी तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे इसको इस टर्म को हम सोल्व कर लेंगे, तो 11 × 50 यहाँ पे गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, हो गया हमारे पास 550 हो गया। माइनस यहाँ पे हमें गिवन है -150 और प्लस के 200 है, सॉरी यहाँ पे माइनस के 200 है, ऊपर वाला देखना है हमें ना जो मैंने चेंज करना है साइन। और यहाँ पे क्या है, प्लस के 150 है, यानी कि जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, माइनस के क्या आएंगे, 50 आएंगे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सेकंड आपको यहाँ पे दिख रहा है, 500 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं, काफी इजी क्वेश्चन से जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें हमें कोडिंग गिवन है, किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई ऐड के फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमें कोडिंग गिवन है कि 7 × 1 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 12। ये 12 कैसे आती है, और वैसे ही सेम गिवन है कि 5 × 4 करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। तो हमें बताना है 7 × 4 करते हैं तो हमारे पास कौन सी टर्म आएगी, ये चीज़ हमें से पूछी गई है। ऐसे जब भी क्वेश्चन आए, ये बेसिकली आपके एडिशन मल्टीप्लाई इनके जो एक तरह से बोला जाए तो इक्वेशन की फॉर्म में आपसे कोडिंग की हुई होती है। इक्वेशन की फॉर्म में कैसे है, जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई आपको गिवन है तो हो सकता है ये मल्टीप्लाई नहीं हो, आपके प्लस हो रहा हो या फिर मल्टीप्लाई हो रहा हो, यानी कि दोनों चीज़ें परफॉर्म हो रही हो। और लिखा क्या गया है, सिर्फ मल्टीप्लाई लिखा गया है, यानी कि जहाँ पे भी मल्टीप्लाई आपका आएगा वहाँ पे ये दोनों चीज़ हो रही होगी, ऐसे कोडिंग की जाती है, उस तरह का ये क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मेट समझिए क्वेश्चन के किस तरह से होते हैं। यहाँ पे बात की जाए तो 7 × 1 कर रखा है हमने, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहा है 12, ये हमें गिवन है। अब आपको सोचना है ऐसे क्वेश्चन में 7 × 1 कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से देखिए, इन दोनों चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि कोडिंग क्या की गई है। ये जो बीच में मल्टीप्लाई गिवन है इसमें आपको अगर यहाँ पे एडिशन गिवन होता है, डिवाइड गिवन होता, तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको सिर्फ इन दो टर्म से यहाँ पे यूज लेना होता है और उससे देखना होता है कि ये टर्म कैसे आएगी। तो हमें लग रहा है कि शायद यहाँ पे 7 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, और हो सकता है 6 × 2 करते हैं तो हमारे पास 12 आ जाता है। ये चीज़ सही हो सकती है, हमें तो यही लग रहा है क्योंकि इसके पास की सबसे पहले हमें इसके पास में देखना होता है। जैसे यहाँ पे अगर बड़ी टर्म दी हुई तो मैं कहती है आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई की जरूरत हो सकती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जहाँ पे बड़ी नंबर्स गिवन हो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो सकता है, और जहाँ पे ज़्यादा ही छोटे नंबर्स गिवन है आपको तो वहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो ये थोड़ी कंडीशंस रहती है, तो हो सकता है ये यहाँ पे इक्वेशन फॉलो हो रही हो। चेक कैसे करेंगे, इसको कंफर्म कैसे करेंगे, नेक्स्ट वाले के साथ करके देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास गिवन है 5 × 4 इक्वल्स टू, हमें गिवन है 2। तो हमने सेम पहले क्या करा था, पहले हमने माइनस की थी दोनों टर्म्स को, फिर उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करा था 2 से। तो ये हमारी जो फॉर्मेट है इक्वेशन की वो ये मतलब हमने सोचा था कि ऐसा हो रहा होगा। तो यहाँ पे हम करके देख लेते हैं, 5 − 4 करा हमने तो हमारे पास आए कितने, 1 आया, और 1 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास क्या आया, 2 आया। तो हमारा यहाँ पे सही हो रहा है, यानी कि अब हम कंफर्म हो गए कि यही प्रोसेस जो हम कर रहे हैं ये सही है। अगर आपको अभी भी डाउट है तो जो थर्ड है हमें गिवन है यहाँ पे तो उससे भी चेक कर सकते हैं, 6 × 4 इक्वल्स टू हमें यहाँ पे गिवन है 4। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, 6 − 4 करेंगे तो हमारे पास आएगी वैल्यू टर्म 2 आएगी, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4। तो यहीं पे हमें ये चीज़ गिवन है तो हमारा ये भी यहाँ से ये मतलब जो हम प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो सही है। तो हम देख लेते हैं कि 7 × 4 हम जो हमसे पूछा जा रहा है वो यहाँ पे आंसर क्या होगा। तो आपको क्या करना है, 7 − 4 करना है, आपके पास वैल्यू आएगी 3, 3 में क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है सेकंड, ऑप्शन 6 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को करना होता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो किस तरह से करना है। इक्वेशन आपको बेसिकली यहाँ पे ढूंढनी होती है कि जो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई गिवन है या फिर कोई सा भी टर्म गिवन है उससे आपके पास इक्वेशन क्या बन के आ रही है, और यहाँ पे इस साइन का कोई सेंस नहीं होता है, ये बेसिकली आपकी कोडिंग की जाती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, सिर्फ यहाँ पे जो नंबर्स गिवन होते हैं उनको यूज़ में लेना होता है जिससे हमारा आंसर आता है। तो ये ऑप्शन 6 हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमसे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्स। तो यहाँ पे हमें बेसिकली ब्लॉक गिवन है, इसमें हमें बताना है कि ये जो प्रश्नवाचक है या चिन्ह है क्वेश्चन मार्क, इसकी जगह हमें बताना है कि क्या वैल्यू आएगी। ऐसे क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको देखना है कि वही चीज़, मैं सेम चीज़ दोबारा बोलूँगी कि अगर यहाँ पे नंबर्स बड़ा आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब आप देख रहे हैं ये जो बीच वाली टर्म है ना, जो बीच वाली हमें लाइन दिख रही है यहाँ पे, बेसिकली जो बीच वाला कॉलम है, इसमें बात की जाए तो हमें जो यहाँ पे फर्स्ट और जो थर्ड कॉलम है, इनसे जो बड़ा नंबर है वो हमें यहाँ पे जो सेकंड नंबर की कॉलम है इसमें दिख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने आपको बताया, अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा उस कंडीशन में ही ऐसा हो रहा होगा, या तो मल्टीप्लाई हो रहा होगा या फिर क्या हो रहा होगा, सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, हो रहा है तो वेल एंड गुड है, नहीं हो रहा है तो आपको क्या चेक करना है, यहाँ पे या तो एडिशन हो रहा होगा और मल्टीप्लाई हो रहा होगा। यानी कि अगर नंबर बड़े हों तो आपको सबसे पहले माइंड में ये स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ पे कहीं मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहा। मल्टीप्लाई चेक कर लिया कि नहीं हो रहा तो आपको क्या करना है, फिर एडिशन करना है, मल्टीप्लाई करना है, या फिर पहले मल्टीप्लाई करना है फिर एडिशन करना है। इस तरह से आपको इक्वेशन देखनी होगी। तो ये सब आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको दिखने लग जाएंगे। वैसे जैसे यहाँ पे तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा है यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है आपके पास 18 है, तो यहाँ पे कैसे आया होगा ये 90 कैसे आया होगा, यहाँ पे 18 इंटू 5 करा होगा तो हमारे पास क्या आ जाता है 90 आ जाता है। वैसे इसे हम यहाँ पे 13 इंटू 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है 143 आ जाता है। अगर आपको 11 से देखो, एक शॉर्ट टिप भी बता देती हूँ उसके साथ साथ ही, कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी बड़ा सा बड़ा नंबर है, जैसे 1 2 क्या लूँ, यहाँ पे 5 ले लेती हूँ, 6 ले लेती हूँ, 9 ले लेती हूँ, 2 ले लेती हूँ, 1 ले लेती हूँ, ऐसा ही कोई नंबर है ना, यहाँ पे 2 की जगह बाद 1 2 और ले लेती हूँ ना, ठीक है, अब बड़ा नंबर हो गया। इससे भी कितना ही बड़ा हो अगर इसको आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है, काफ़ी ईजी है, पता है एक टर्म में हो जाएगा मल्टीप्लाई करने की, काफ़ी ईजी टर्म। सर आपको क्या करना है, ये जो चीज़ है ना, यानी कि स्टार्टिंग है जो लास्ट, मतलब जो अगर आप बोलें कि इस टर्म को मुझे मल्टीप्लाई 11 से करना है, तो सबसे पहले मैं जो ये 2 है और ये 1 है इनको स्टेशनरी रखूंगी, यानी कि 1 और 2 तो आएंगे ही आएंगे। सबसे पहले 2 लिख दे लीजिए, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया, कौन सा 2 है, ये वाला 2 है जो यहाँ लिखा हुआ है। अब उसके बाद करना है आपको ऐड करते हुए जाना है, जैसे 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। अब वैसे ही सेम आगे बढ़ते जाएंगे, 2 + 1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 3। नेक्स्ट 9 + 2 करेंगे तो हमारे पास आएगा 11। 1 यहाँ पे रखा और 1 यहाँ पे रखेंगे वो कैरी हो जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 6 की कैरी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 9 + 2 कर दिया हमने 11, और 6 + 9 + 1 कैरी तो ऐड करेंगे ना इसमें, तो 6 और 7, 7 और 9 कितने हो गए हमारे पास 16 हो गए। ये 6 यहाँ पे लिख दिया और 1 को कैरी कर दिया। अब आगे आपको ऐड करना है 6 और 6 कितने हो गए 12 हो गए, 2 हो गया आपका यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 5 और 2 कितने हो गए 7 और 1 8, 8 यहाँ पे आ गया, 2 और 1 कितने हो गए 3 हो गए। अब ये जो 1 है ना लास्ट वाला, इसको आपको यहाँ पे लिखना है एज इट इज 1। यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू होती है ना, कोई सा भी नंबर होता या फिर यहाँ पे भी कौन सा भी नंबर होता, उसको एज इट इज़ आपको लिखना होता है। तो ये आपका इसका मल्टीप्लाई करा आपने 11 से, तो ये चीज़ आपकी टर्म कैलकुलेट होकर आएगी। चेक कर लेना आप कितने भी बड़े से बड़े नंबर लिख लेना, सिर्फ आपको ऐड करते हुए चलना है इधर की साइड से, जो कैरी हो वो कैरी की तरह ऐड करना है, सिंपल है। तो अगर कभी मल्टीप्लाई कैसे क्वेश्चन आया तो पढ़ लेना, एक ट्रिक थी। चलिए अभी इस क्वेश्चन में आते हैं हम। तो यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 7 × 5 करा हमने तो ये हमारे पास आया 35। क्या ऑप्शन में हमारे पास 35 आ रहा है, हमें गिवन है 35, जी हाँ ये दिख रहा है फोर्थ में 35 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं होता तो फिर हमें वापस से यहाँ पे दिमाग लगाना होता, यानी कि दोबारा से हमें यहाँ पे अपना जलाना होता माइंड का कि क्या हो रहा होगा यहाँ पे, अगर ये मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा तो क्या चीज़ हो रही होगी, तब हम क्या सोचते हैं यहाँ पे, यहाँ पे या तो प्लस करके मल्टीप्लाई हो रहा होगा या मल्टीप्लाई करके प्लस हो रहा होगा इस तरह से, या फिर स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है ना, क्यूब भी हो सकता है ज़्यादा बड़ा नंबर है। तो बेसिकली हमारा तो यहाँ पे आंसर मैच हो गया, तो ऑप्शन 4 हमारे यहाँ पे राइट हो गया, तो ये हमारा राइट थे आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें भी सेम
जो मैंने आपको बताया आज दिन के बाद का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे, ये बेसिकली मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि आप पढ़ सको अच्छे से क्वेश्चन, है ना, और कोई इसका मकसद नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसको पढ़ते हैं। इसमें गिवन है हमें ए मेंस साइकिल्स 7 किलोमीटर ईस्ट, तो इसको साथ में ड्रॉ भी करते जाते हैं ना, ये तो चीज़ आपको पता है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये क्या है ईस्ट है, और ये क्या है वेस्ट है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आए तभी थोड़ा सा साइड में ड्रॉ कर लेना, उससे आपको ईजी रहेगा। वैसे तो ये काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसमें ड्रॉ भी नहीं करते तो भी चल जाता, और अगर लेंथी क्वेश्चन आए तो इस तरह से ड्रॉ कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी रहेगा। नेक्स्ट जो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि वो क्या चल रहा है, साइकिल से चल रहा है 7 किलोमीटर ईस्ट में। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है, सेंटर में एक पॉइंट ले लिया, इससे चल रहा है ईस्ट में 7 किलोमीटर, तो हमने 7 किलोमीटर चला दिया इसको, जो हमसे कहता जा रहा है वैसे वैसे करना है। फिर उसके बाद बोल रहा बोला जा रहा है कि देन टर्न साउथ एंड साइकिल्स 12 किलोमीटर, तो यहाँ से ये साउथ में मुड़ गया और फिर 12 किलोमीटर चल गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है देन टर्न्स वेस्ट एंड साइकिल्स 7 किलोमीटर, अब ये लेफ्ट जिसमें वेस्ट में मुड़ गया तो वेस्ट में मुड़ दो उसको, कितना चल दिया 7 किलोमीटर चल दिया भाई साहब, तो ये 7 किलोमीटर चल दिए। नेक्स्ट बोला जा रहा है देन, फिर उसके बाद क्वेश्चन का यहाँ पे है, तो यहाँ पे मजा है, यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे फिर बोला जा रहा है हमसे देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब भाई अब इसके लेफ्ट में ये चल रहा है कितना किलोमीटर चल रहा है, 10 किलोमीटर चला जा रहा है, तो लेफ्ट किधर होगा इसका, इधर की साइड होगा, ये हमने लेफ्ट चला दिया कितना 10 किलोमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है 12 है, ये इधर की साइड से गिवन है ना, ये यहाँ पे गिवन है ना 12, वो मैंने यहाँ पे लिख दी, और ये 10 यहाँ पे हो गई। अब क्या बोला जा रहा है, फिर उसके बाद बोला जा रहा है वेयर इज ही नाउ विथ रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पोजिशन, तो हमें बताना है स्टार्टिंग पोजिशन कौन सी थी इसकी, ये वाली थी स्टार्टिंग पोजिशन, यहाँ से बताना है कि हमारी जो स्टार्टिंग पोजिशन है उससे यहाँ की जो पोजिशन है इसकी वो कहाँ पर है, ये चीज़ हमें बतानी है। तो यहाँ से 12 होगी हमारी डिस्टेंस स्टार्टिंग पोजिशन से, और यहाँ से कितनी है 10 है, तो ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 प्लस 10 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी 22 किलोमीटर। कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन कौन सी है साउथ, 22 किलोमीटर चलना साउथ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन गिवन है क्या, यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो हमारे पास गिवन है 22 किलोमीटर साउथ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, बेसिकली आपको ये ड्रॉ करना आना चाहिए और लेफ्ट राइट पता होना चाहिए, उसके बाद ये चीज़ पता होनी चाहिए, इस तरह के क्वेश्चन आपसे ईजीली हो जाएंगे अगर ये सब चीज़ें आपको पता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चन आ गए आपके यहाँ पे। अभी आपको डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्यों मिलेंगे, क्योंकि भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं, तो जिस फॉर्मेट में क्वेश्चन आए हुए उस क्वेश्चन उस फॉर्मेट में ही क्वेश्चंस को मैं आपको सोल्व करा रही हूँ। तो इसमें हमसे बोला जा रहा है एंड द क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना ना, क्योंकि मैं पढ़ूंगी आप पढ़ोगे, बात एक ही है, और फिर इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ सिर्फ ये, इसके बाद आपको ये चीज़ पढ़नी है ना, और उसके बाद फॉलो, उसके बाद फॉर्म यहाँ से आपको पढ़ना है, हिंदी यहाँ पे लिखी रखी है तो अब आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलिए अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बेसिकली बताना है कि जो स्टेटमेंट है और जो इसका कंक्लूजन गिवन है कौन सा आपका सही है कौन सा नहीं है। ऑप्शंस नहीं लगाए थे मैंने इसके, हाँ मैं ऑप्शंस लगाना इसके भूल गई, मैंने आपके यहाँ पे ऑप्शंस लगा दिए, ये रहे ऑप्शंस, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैं यहाँ पे लिखते ही तो फिर जगह नहीं रहती आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पर हमसे पूछा जा रहा है, हमसे चलिए बोला जा रहा है कि ऑल स्टील इज आयरन, ऑल स्टील इज आयरन, ऑल स्टील क्या है आयरन है, तो ये हमने क्या बना दिया स्टील, तो मैं इसको एस टी ले देती हूँ ना, एस टी से स्टील होगी। ऑल स्टील क्या है आयरन है, आयरन है यानी कि आयरन, यहाँ पे सबसे इसको घेर रखा है तो आयरन ये हो गया आयरन। ये कैसे ड्रॉ करते हैं आपको पता है क्या, अब मैं ये मान के चल रही हूँ आपको पता है कि ये सब कैसे ड्रॉ करते हैं, नहीं है तो मैं खुद भी एक और इसको बता दूंगी कि किस तरह से ड्रॉ किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है। तो बेसिकली अगर आपको ऑल की बात की जाए कि ऑल स्टील इज आयरन, यानी कि ऑल स्टील यानी कि सारी की सारी स्टील क्या है आयरन है, तो इस तरह से मैंने ड्रॉ करा है, सारी की सारी स्टील क्या होगी आयरन होगी, आई को मैंने आयरन से नोट करा है, तो ये थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ ना, स्टील को एस टी से और आयरन को आई से। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमसे बोला जा रहा है कि नो आयरन इज सॉलिड, कि कोई सी भी आयरन है ना वो सॉलिड नहीं है, तो आयरन कोई सी भी सॉलिड
एसओ लिख देते हैं सॉलिड को, तो बेसिकली एसओ सॉलिड का आ रहा है ना, आयरन, तो आई है सही। नेक्स्ट हमसे यहाँ पे जिसका कंक्लूजन निकल रहा है, जिसका निष्कर्ष निकल रहा है इन स्टेटमेंट का, वो हमसे बोला जा रहा है कि नो स्टिल इज सॉलिड, कि कोई भी स्टिल है ना वो सॉलिड नहीं है। तो क्या ये सही है क्या स्टेटमेंट? जी हाँ सही है। क्यों सही है ये स्टेटमेंट? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आयरन वो हमसे यहाँ पे गिवन है क्या नहीं है, सॉलिड नहीं है, और यही हमसे बोला जा रहा है कि, और आयरन क्या है वो किसके अंदर आ रहा है, जो भी आयरन है जो भी स्टील है वो किसके अंदर आ रहे हैं, आयरन के अंदर आ रहे हैं। जब आयरन ही हमारा यहाँ पे सॉलिड नहीं है तो स्टील सॉलिड कैसे हो सकती है? यही हमसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो स्टील है वो सॉलिड नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे जो कंक्लूजन है हमारा फर्स्ट, वो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, नो स्टील इज सॉलिड, क्योंकि कोई भी आयरन हमें आ रहा सॉलिड नहीं है, और आयरन के अंदर ही क्या आ रहा है, स्टील आ रहा है, तो स्टील भी सॉलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें जो इसका निष्कर्ष निकल रहा है फर्स्ट वाला वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अब सेकेंड स्टेटमेंट जो सेकेंड कंक्लूजन यहाँ पे निकल रहा है, निष्कर्ष निकल रहा है, उसकी बात कर लेते हैं। इसमें इसमें बोला जा रहा है सम आयरन इज स्टील, यानी कि जो कुछ आयरन है ना वो क्या है, स्टील है। क्या ये सही है क्या? कुछ आयरन स्टील है क्या? देख रहे हैं आप यहाँ पे ये आयरन कितना ज्यादा है, जो भी सारा आपको एरिया दिख रहा है ये क्या है, सारा आयरन है, और कुछ इसका हिस्सा वो क्या है, स्टील है। तो ये सही है, हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमने बनाया डायग्राम इसका, उसमें हमें दिख रहा है कि जो भी आयरन है उसमें से कुछ आयरन क्या है, स्टील है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कंक्लूजन, ये भी राइट हो जाएगा। तो यानी कि हमारे दोनों कंक्लूजन है वो राइट है। तो ऑप्शन चेक करते हैं हमारे पास किस में हमें दे रखा है। तो ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन थर्ड, इसमें बोला जा रहा है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड फॉलो, यानी कि जो स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है उनको कंक्लूजन जो निकाला है हमने फर्स्ट और सेकेंड वो फॉलो कर रहे हैं, यानी कि दोनों सही हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन थ्री हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन थ्री हमारे यहाँ पे राइट है। तो इस तरह से आपको बनाना होता है वेन डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप से आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत आती है, ऐसे डायग्राम्स बनाने में दिक्कत आती है, तो आप कमेंट कर देना, मैं इसके लिए स्पेशली वीडियोस बना लूँगी, पर आप कहोगे तो ही बनाऊंगी, है ना। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 19 हमारे पास। इसमें हमसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इन द आंसर फिगर कैन नॉट बी मेड बेस्ड ऑन द अनफोल्डेड क्यूब इन द क्वेश्चन फिगर। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक तो क्वेश्चन फिगर है और एक आंसर फिगर है, हमें बताना है कि जो अनफोल्डेड क्यूब है इसको अगर हम फोल्ड कर देते हैं तो इनमें से जो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस फिगर है यहाँ पे हमें गिवन है, इसमें से कौन सा है जो बन नहीं सकता, बनाया नहीं जा सकता, यानी कि इसको फोल्ड करने पे, इसको फोल्ड करने पे इनमें से कौन सा बन नहीं सकता। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो आपको इन ऑप्शन को तो बाद में देखना है, सबसे बाद में, सबसे पहले जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिगर गिवन है इसको फोल्ड करके देखना है। अब फोल्ड नहीं करना है आपको, फोल्ड करके कैसे देखोगे बिना फोल्ड किए हुए, तो वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आपको इसको फोल्ड करते हो तो आपको क्या दिखेगा, जो सर्किल है उसके अपोजिट कौन सी चीज़ आएगी, जब आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो सर्किट के अपोजिट क्या आती है, ये आएगा। अब ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगी सर, इस जो यहाँ पे अगर हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो वो ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे अनफोल्ड होगा, तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी। जितना आप ज़्यादा इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। तो सर्किल के अपोजिट क्या आएगा, ये आएगा स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्रॉस की बात करते हैं, क्रॉस के अपोजिट क्या आएगा, स्टिक वाला साइन। तो ये क्रॉस के मैं आपके सीधा है ना, थोड़ा सा टेढ़ा है इसमें, और यहाँ पे अगर आप बात करें इसके जो अपोजिट में है वो ये आएगा, तो ये थोड़ा सा इस तरह से यहाँ पे ये। तो बेसिकली हमने लूडो में देखा हो क्यूब में बने होते हैं ये 5 और ये 4। अब आपको कैसे क्या देखना है, ये अगर आप इनको इस क्यूब को फोल्ड करते हो, इस क्यूब की बात कर रही हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन फिगर गिवन है इस क्यूब की बात कर रही हूँ, इसको अगर आप फोल्ड करते हो तो ये टर्म्स हैं जो आपके अपोजिट में आएगी, अपोजिट में आएगी मतलब आपका क्यूब फोल्ड हो चुका है। समझ पा रहे हैं इस चीज को, समझ पा रहे तो काफी आपने क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो आपको यहाँ पे गिवन है ये एक साइड होगी क्यूब की और ये दूसरी साइड होगी, अगर ये चीज आपको दिख रही है
किसी क्यूब में अगर आपको ये चीज दिख रही है तो ये चीज दिखेगी नहीं। अगर आप किसी क्यूब की बात करेंगे, जैसे आप ये क्यूब देख लीजिए, ये क्यूब हमें जो गिवन है ऑप्शंस में, इस क्यूब की अगर बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हो सबसे पहले, फर्स्ट ऑप्शन से हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ना। फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास गिवन है कि हमारे पास एक साइड में क्या गिवन है, पांच गिवन है, पांच डॉट गिवन है, और दूसरी साइड हमारे पास अगर हम देखते हैं क्यूब को फोल्ड करके तो हमारे पास क्या आना चाहिए, फोर आना चाहिए, वो हमें नहीं दिख रहा, तो यानी कि ये सही है। हो सकता है ये जो हमें फाइव पॉइंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, इसके नीचे की साइड जो हमें दिख नहीं रहा वो कैसे दिखेगा हमें, क्योंकि हमें दूसरी साइड ही दिखेगी क्यूब की, वो इसके नीचे होगा, तो ये हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, इसके अपोजिट क्या होगा, सर्किल होगा, वो भी हमें नहीं दिख रहा, क्यों दिखेगा भाई, वो तो पीछे है तो कैसे दिखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे हमें जो हैशटैग गिवन है, इसके अपोजिट क्या होगा, क्रॉस होगा, वो इधर की साइड होगा, वो भी हमें नहीं दिख रहा, यानी कि ये जो क्यूब है ये हम इसको फोल्ड करके बना सकते हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे सही हो। अब आगे चेक करते हैं, यहाँ पे हम आगे सेकंड वाला चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे सर्किल है, सर्किल के अपोजिट हमें नहीं दिख रहा, तो ये सही है हमारा। फोर दिख रहा है, फोर के अपोजिट हमें नहीं दिख रहा, क्रॉस दिख रहा है, इसके अपोजिट नहीं दिख रहा, तो ये हमारा बन सकता है। ऑप्शन थर्ड की बात करें तो यहाँ पे हमें जो क्रॉस या है, एक तरह से बोले तो हैशटैग टाइप्स जो भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जी जरूर दिख रहा है, इसके अब बात देखिए, आपको क्रॉस भी दिख रहा है, क्या दिखना चाहिए था, नहीं दिखना चाहिए था, क्यों नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि इसके अपोजिट है, अगर ये ऊपर हमें दिख रहा है तो ये इसके यहाँ पे नीचे होना चाहिए था, यानी कि हमें यहाँ नहीं दिखना चाहिए था, तो ये हमारा ऑप्शन जो थर्ड है ये यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि यही हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा हम अगर इसको फोल्ड करते हैं तो हमें यहाँ पे क्यूब नहीं बन सकता, तो ऑप्शन थ्री हमारे यहाँ पे राइट हो गया, ये हमारा नहीं बन सकता। ऑप्शन फोर को देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं आपको बताने के लिए, तो यहाँ पे पांच पॉइंट हमें दिख रहे हैं, तो चार पॉइंट का होंगे इसके नीचे होंगे जो हमें नहीं दिख रहे, सही है। यहाँ पे हमें सर्किल दिख रहा है, स्क्वायर इसके इधर की साइड होगा जो हमें नहीं दिख रहा, ये भी सही है। ऑप्शन यहाँ पे हमें जो क्रॉस टाइप है, स्टेक बोल सकते हैं फोर, ये हमें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्रॉस होगा इसकी इधर की साइड अपोजिट साइड, वो हमें नहीं दिख रहा था, यानी कि ऑप्शन फोर भी हम बना सकते हैं। अब आपको क्या सब क्वेश्चन में इस तरह से करना है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ जाएं तो आपको सिर्फ ये चीज़ लिखनी है जो मैंने यहाँ पे आपको बताई ना, सिर्फ ये चीज़ लिखनी है, उसके बाद आपको चेक करना है कि ये जो टर्म है, ये जो बात कर रही हूँ मैं, ये अगर आपको दिख रहा है एक साइड में, मतलब आपको दोनों चीज़ें है ना, ये दोनों चीज़ें, ये और ये, समझिएगा ध्यान से, काफ़ी इजी हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन आपके लिए। ये जो आपको टर्म्स दिख रही है ये एक साथ कभी भी नहीं दिखेगी, अगर आपको ये दोनों टर्म्स आपको एक साथ दिख रही है, मतलब वो जो आपको क्यूब गिवन है उसको अगर आपने फोल्ड किया तो वो कभी नहीं बनेगा, मतलब जो आपका अनफोल्डेड क्यूब है उसको अगर आप फोल्ड करेंगे तो वो कंडीशन हमेशा गलत होगी। अब आप बाकी के जो तीन जो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है उसमें आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे कभी सर्किल गिवन है तो उस जगह आपको यहाँ पे ये चीज़ गिवन नहीं होगी, स्क्वायर क्रॉस गिवन है तो ये चीज़ गिवन नहीं होगी, फाइव पॉइंट्स गिवन है तो आपको ये चीज़ गिवन नहीं होगी, जिसमें गिवन है वही आपका क्यूब नहीं बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको फोर का ये भी गिवन है और क्रॉस भी गिवन है, तो आपका यहाँ पे ये जो अनफोल्डेड क्यूब है अगर आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये कभी नहीं बनेगा, तो ऑप्शन थ्री आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो बस आपको इतना से चेक करना होता है, ये सिर्फ बाकी सब मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया है। आई होप से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, मैं चाहती हूँ आपके एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होने चाहिए, और इस पैटर्न के तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कुछ पैटर्न होते हैं कि प्रैक्टिस करेंगे आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन की तो आपकी चीज़ क्लियर हो जाएगी, और वैसे मैं तो पेपर आपको सोल्व करा ही रही हूँ तो इससे ही आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, चलिए समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे। अब क्वेश्चन को रीड आउट करना है, सबसे पहले मैं आपको समझाने के हिसाब से बता रही हूँ, फिर बाद में बताऊंगी कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है, इन द फॉलोइंग फिगर स्क्वायर रिप्रेजेंट एथलीट्स, ट्राइंगल रिप्रेजेंट इंजीनियर, जो सर्किल है वो रिप्रेजेंट करते हैं फादर को, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट करते हैं एंटरप्रेन्योर को, विच सेट ऑफ लेटर रिप्रेजेंट एथलीट्स हु आर आइदर एंटरप्रेन्योर और फादर्स। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझाने के हिसाब से आपको बताती हूँ, पहले यहाँ पे हमें गिवन है कि जो हमें यहाँ पे अलग तरह से फिगर गिवन है, हमें बताना है कि जो स्क्वायर है, हमें यहाँ पे बताया गया है कि स्क्वायर है,
स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है एथलीट को, ATH लिखना है ना शॉर्ट में। नेक्स्ट बात करते हैं ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये करता है इंजीनियर को। नेक्स्ट बात करते हैं सर्किल है, ये सब कहाँ गिवन है, आपको यहाँ पे गिवन है ना, आप सोचे कहाँ पे गिवन है, तो सर्किल रिप्रेजेंट करता है फादर को। नेक्स्ट बात करें रेक्टेंगल की बात करते हैं, तो ये रेक्टेंगल हो गया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है एंटरप्रेन्योर को। टी लगा देते हैं उसमें, तो इंजीनियर इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, बस यही हो गया है ना, ये हमें गिवन है फोर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट एथलीट्स हु आर आइदर एंटरप्रेन्योर और फादर। अब यहाँ पे बीच में और लिखा हुआ है, और से समझ, ये और एंड बहुत गलती कराते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं और फादर भी हो सकते हैं, एंड लिखा होता है तो जरूरी हो जाता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर भी होना है और उसको फादर भी होना है, समझ रहे हैं, तो वही आपका आंसर होता है। लेकिन यहाँ पे और लिखा हुआ है यानी कि दोनों चलेंगे, एंटरप्रेन्योर भी चलेंगे फादर भी चलेंगे, लेकिन वो क्या होना चाहिए, एथलीट होना चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एथलीट वाले के लिए कौन सा हमारा यहाँ पे गिवन है फिगर। तो एथलीट हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एथलीट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है स्क्वायर से, यानी कि ये जो बॉक्स है स्क्वायर, इससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है ना। ये वाला मैं पॉइंट्स लगा देता हूँ, ये पूरा स्क्वायर इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एथलीट से। अब हमें चाहिए एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर रहा है रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये यानी कि जो इसके अंदर आ रहा है ई और एफ इसके अंदर आ रहे हैं, तो ये हमारा एंटरप्रेन्योर को। अब पूछा जा रहा है हमसे फादर को भी, फादर किससे रिप्रेजेंट करें, सर्किल से, ये जो सर्किल आपको दिख रहा है आपको किससे मतलब है, सिर्फ जो इस बॉक्स के अंदर आ रहा है यानी कि स्क्वायर के अंदर आ रहा है। तो अब स्क्वायर के अंदर आप देखेंगे आपको क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, एक तो एक ई दिख रहा है और एक डी दिख रहा है, एफ ई डी दिख रहा है, जो क्या है एंटरप्रेन्योर भी है और आपके फादर भी है, लेकिन है क्या है ये सब एथलीट है। तो आपको ऑप्शन देखना है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपको यहाँ दिख रहा है एफ ई डी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको इस तरह से करना है, जी नहीं बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरह से। कैसे करना है क्वेश्चन को मैं बताती हूँ अभी, क्वेश्चन को कभी भी रीड आउट नहीं करना कम्प्लीटली, टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा। आपको लास्ट में जाना है, लास्ट में आपको जो काम की बात, यहाँ पे लास्ट में आपको गिवन होती है, अब कोई पेपर बनाने वाले सर मेरा एग्जाम मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो भले चेंज कर सकते हैं, उसका आगे मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मोस्टली जो भी एग्जाम जो भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसमें जो लास्ट की लाइन होती है जो आपसे पूछा जा रहा होता है कि हाँ भाई आपको ये बताना है, जैसे यहाँ पर पूछा जा रहा है विच सेट ऑफ लेटर्स रिप्रेजेंट एथलीट्स हु आर आइदर एंटरप्रेन्योर और फादर, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो बस आपको इसी लाइन को पढ़ना है, ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी है इंपॉर्टेंट पर वो किस तरह से हमें यूज लेनी है वो चीज़ हमें देखनी है। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि जो एथलीट है, बोला क्या जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे जो हमें सेट ऑफ लेटर्स गिवन है उनमें से एथलीट जो एंटरप्रेन्योर भी और फादर भी हैं वो हमें बताना है कि ऐसे कौन से यहाँ पे सेट ऑफ लेटर्स हमारे पास बन के आ रहे हैं, ये चीज़ हमें बतानी है। और हमें देखना है सबसे पहले इन क्वेश्चन में एथलीट की यहाँ पे बात हो रही है, एथलीट को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो ये हमें देखना है स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, स्क्वायर का है स्क्वायर, ये रहा स्क्वायर हमने देख लिया। नेक्स्ट बोला जा रहा है हु आर आइदर एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर कहाँ पे है, एंटरप्रेन्योर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, फटाफट से हमने देख लिया ये किया जाता है रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल देख लिया, रेक्टेंगल ये रहा भाई। नेक्स्ट बात की जा रही है फादर की, और यहाँ पे और साइन गिवन है ना, इंपॉर्टेंट है और साइन, इससे पूरा आंसर आपका चेंज हो सकता है और साइन से, और एंड का वो ध्यान रखिएगा इन क्वेश्चन में, फादर की यहाँ पे इन क्वेश्चन में जहाँ पे भी और एंड यूज में हो वहाँ हर जगह आपको और एंड का ध्यान में रखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं फादर की, तो फादर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ये रिप्रेजेंट किया जा रहा है सर्किल से, सर्किल कहाँ पर है ये भाई, सर्किल कौन कौन से वर्ड्स इसके अंदर आ रहे हैं, तो एफ और ई और डी आ रहा है इसके अंदर, क्या सी आ रहा है क्या इसके अंदर, सी नहीं आ रहा, सी कहाँ आ रहा है रेक्टेंगल के अंदर सर्किल के अंदर, और बी की बात करें तो बी तो किसके अंदर आ रहा है ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, तो सिर्फ एफ और ई और डी यहाँ पे हमारे आ रहे हैं, तो ऑप्शन फर्स्ट हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट हमने राइट कर दिया और हमारा आंसर राइट हो गया। तो हमारे यहाँ पे आज के क्वेश्चंस जो भी थे 10 क्वेश्चंस थे हमने डिस्कस करे हैं अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ, और कैसे एग्जाम्स में आपको इन क्वेश्चंस को करना है ये भी मैंने साथ में आपको बताया है, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
नहीं आए तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, कमेंट में लिखना है आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी आपकी उसमें उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर उसमें भी एक्सप्लेन नहीं किया जा रहा तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें तो जरूर से ज़रूर आपका उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जाएगा। और कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को वापस से आप देख सकते हैं, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बताए, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए हम इतने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, अब बाकी के जो वीडियोज़ हैं हम जो बाकी हमारे क्वेश्चन बाकी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपके कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।